मोस्ट विवेशियस मिस हिमाचल 2023 सीजन 7 में आभा ने पहला स्थान पाकर जिला शिमला के चौपाल क्षेत्र का नाम चमका दिया है। बता दें कि आभा बचपन से ही मॉडलिंग का शौक रखती हैं और वह अभिनय जगत में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं। हिमाचल उत्सव में भाग लेकर उन्होंने पहले भी जीत हासिल की थी और उसके बाद आभा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं आभा कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं और सभी में उन्होंने जीत भी हासिल की है। वहीं आभा ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता को दिया। मैं चौपाल से हूँ और ये कॉन्टेस्ट हमीरपुर में हुआ था फ्रॉम 23rd to 25th of November और टोटल 13 गर्ल्स थी फ्रॉम ऑल ओवर हिमाचल एंड 50 गर्ल्स से सिलेक्शन हुई थी 13 गर्ल्स की एंड कितने दिन का मैम इवेंट था? इट वाज 3-डे इवेंट सर और हमें 3 दिन लाइक एडवेंचर के साथ साथ हमें ब्यूटी पेजेंट में कैसे ग्रूम रहते हैं ये सब बताया गया। एडवेंचरस लाइफ जर्नी जॉगिंग राफ्टिंग एंड ऑल ये सब हमें बताया गया। जी, आप क्या कहेंगे? संस्कृति से बाहर कैसे जा सकती है सर कोई चीज़ जब हम यू नो अपने संस्कारों के अंदर रह के चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फैमिली भी हम पे प्राउड है, तो ये कैसे हम अपनी संस्कृति से बाहर जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो लड़कियाँ हैं वो हर क्षेत्र में आगे हैं और मॉडलिंग भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लड़कियां काफ़ी आगे जा सकती है, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे जो यू नो लड़कियों को मॉडलिंग लाइन में नहीं इतना सपोर्ट करते हैं। लाइक मैं भी अपने गांव से पहली लड़की हूँ जो मॉडलिंग लाइन में है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। सो सभी पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स की तरह होना चाहिए जो सपोर्ट करें अपने बच्चे को और आगे बढ़ाए। एक्चुअली मैं बचपन से डांस करती हूँ, लाइक 4 साल की थी मैं तब से डांस कर रही हूँ और मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ एंड देन उसके बाद मुझे मॉडलिंग भी करना था तो मैंने घर पे बताया कि मुझे मॉडलिंग भी पसंद है एंड मेरी मम्मी ने कहा इट्स ओके अगर आपको मॉडलिंग पसंद है आप करो और रिजल्ट दिखाओ, अगर आपको इतना ही पसंद है एंड यू थिंक यू कैन डू इट देन शो अस। तो ऑब्वियसली माई पेरेंट्स सपोर्ट मी और मेरे पापा भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मैं बहुत लकी हूँ ऐसे पेरेंट्स पाके जो कभी भी यू नो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है आपके साथ, यू नो कभी भी आपको तुलना नहीं की जाती है आपके किसी के साथ, बस जो आप करते हैं उससे सपोर्ट किया जाता है। क्या संदेश रहेगा मैं कुछ लड़कियां ऐसी चीजों में आके अपना फ्यूचर नहीं बना? जी 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 फ्यूचर आई वुड लाइक टू से कि जिसमें आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए एंड पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए उन लड़कियों को उन बच्चों को जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो ये फील्ड हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, यू नो यू शुड सपोर्ट योर चिल्ड्रन एंड आई थिंक वो जीत के दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 3 दिन चली इस प्रतियोगिता में जहां प्रदेश भर से 39 युवतियों ने भाग लिया था, वहीं फाइनल में 13 युवतियां चुनी गई थी जिसमें से शिमला के चौपाल की रहने वाली आभा प्रकाश सामटा ने मोस्ट विवेशियस मिस हिमाचल 2023 सीजन 7 में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि जो भी युवतियां इस फील्ड में आगे आना चाहती हैं वह किसी की परवाह किए बिना केवल अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।